हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं उन सब की अपनी अपनी डायमेंशंस होती हैं। तो आज हम लोगों ने वही डायमेंशंस को डिस्कस करना है कि क्या चीज़ होती है। देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज़ डायमेंशन। डायमेंशन क्या चीज़ होती है? डायमेंशन्स आर द पावर्स, डायमेंशन्स आर द पावर्स, आप इसको नोट डाउन करते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स यूनिट्स। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस पावर्स हैं। किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है, अब एक एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, जैसे कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। देखो, वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। कौन कौन सी होती है ना? फंडामेंटल और ड्राइव्ड। तो सात तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और बाकी जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करेंगे वो सबको कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें बेसिकली वो बनती कैसे हैं? वो इन्हीं सात तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, सात तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हो सकता है आपको दो यूज़ हो रही हों, तीन यूज़ हो रही हों, और वो डिवाइड मल्टीप्लाई करके ही वो क्या करती हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बनाती हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल, ये वेलोसिटी है ना, ये क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। किससे बनी है ये? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम से। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह की लेंथ, ठीक है, तो लेंथ डिवाइड बाय टाइम करके। तो यानी कि लेंथ जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया? एक आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी आ गई जिसका नाम क्या है? वेलोसिटी, है ना। अब समझ आया कि ये ड्राइव्ड है, और हर एक ड्राइव्ड क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब देखो, डायमेंशंस को समझते हैं कि डायमेंशंस यहाँ पे कहाँ छुपी हुई हैं। देखो, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह की लेंथ है, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह की लेंथ है। तो उसको L करके मैं अगर लिख दूँ स्क्वायर ब्रैकेट में, और टाइम क्या है? टाइम को अगर हम लोग डेजिग्नेट कर दें T से, और फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, जैसे कि L, इस T को अगर मैं न्यूमरेटर में रख के चला जाऊँगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? T-1 लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो, ये क्या चीज़ है? लेंथ, अभी बताया मैंने आपको, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, ये क्या है? ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स हैं, है ना, 1 और -1, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर्स हैं, इन्हीं को कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? डायमेंशंस कहा जाता है। और ये जो टोटल की टर्म है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसे कहा जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। क्या कहा जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला। और जब इस डायमेंशनल फार्मूले को इसकी रिस्पेक्टिव जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ जब इसको इक्वेट किया जाएगा, है ना, जब इसके रिस्पेक्टिव क्वांटिटी के साथ इसको इक्वेट किया जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा डायमेंशनल, इस इक्वेशन को क्या कहा जाएगा फिर? इस इक्वेशन को कहा जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। क्या कहा जाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन। अब समझ आया डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस पावर्स हैं, है ना। पावर्स किस पे? पावर्स जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर रेज की जाती हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको डायमेंशन कहा जाता है। ये जो टोटल टर्म होती है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मिलकर, इसे कहा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। और जब इसको इसकी रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसको इक्वेट किया जाता है, तब इसको क्या कहा जाता है? डायमेंशनल इक्वेशन। ये तीनों टर्म समझ आ गए अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अच्छा, एक चीज़ और लिखी हुई है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स यूनिट्स। तो देखो, इसकी हेल्प से हम लोग इसके यूनिट्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? लेंथ का यूनिट क्या जी? मीटर।
टाइम का क्या होता है, सेकेंड, पावर वही रखनी है जो यहाँ पे दे रखी होती है इसने। तो आपको देखो, विद द नॉलेज ऑफ डायमेंशंस वी कैन ऑब्टेन इट्स यूनिट आल्सो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके यूनिट भी ड्राइव करते हैं, कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या आती है, डायमेंशंस किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज़ की, क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ढेर सारी एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये नहीं है कि सिर्फ 11th क्लास में इसका यूज़ होना है। आप लोग फ्यूचर में जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करोगे, कोई फार्मूला हम लोग जैसे ड्राइव करेंगे, तो उस फार्मूले को ड्राइव करने के बाद जिस जैसे उसका SI यूनिट पता होना इंपॉर्टेंट होता है और वो लिखना पड़ता है हम लोगों को, बिल्कुल उसी तरह से उसका डायमेंशनल फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए और वो भी हम लोगों को वहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब अलग अलग तरह के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके हम लोग डायमेंशन फार्मूले जो है फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी का आपको याद रह हो गया, अभी तो किया हम लोगों ने, क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, LT-1, ठीक है, क्या है LT-1। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, आप एक काम करो उसको अच्छे से नोट डाउन करो, कुछ इस तरह से नोट डाउन करना, मतलब कि यहाँ लिख लो आप फिजिकल क्वांटिटी, कॉपी पे भी ना इस तरह का एक टेबल जैसा बना लो, फिजिकल क्वांटिटी, फिर नेक्स्ट कॉलम में लिख दो आप लोग इसका फार्मूला, ठीक है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का ना कोई फार्मूला होता है, फिर लिखो आप इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला कुछ इस तरह का बना लो आप भी कॉपी पे, ठीक है। अच्छा किसका कर लिया हमने कैलकुलेट, हम लोगों ने वेलोसिटी का कर लिया ना। एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं, नंबर सेकंड, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी बाय टाइम। अब आपने क्या करना है, देखो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, अभी तो हमने कैलकुलेट किया, वो क्या है LT-1। तो डायमेंशन फार्मूला इस एक्सेलरेशन का निकालने के लिए जो यहाँ पे क्वांटिटीज फार्मूले में दे रखी हैं उनके आपको क्या करने हैं, डायमेंशनल फार्मूले यहाँ पे लिख देने हैं। जैसे वेलोसिटी क्या होता है LT-1, टाइम क्या है, टाइम तो खुद ही फंडामेंटल है, तो उसका डायमेंशन वाला टी है। बस अब इसको कैलकुलेट करना है आप लोगों को, ठीक है। इसको ले जाओ न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा ये LT-1, और यहाँ से आप लोग टी को ले जाओ ऊपर, क्या बन जाएगा -1, तो ये क्या बन गया LT-2, क्लियर। देखो कितना ईजी है ये, है ना। तो LT-2 आ गया किसका, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, मिटा दूं, लिख लिया आप लोगों ने, तो इसको लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सब फार्मूले। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, फोर्स। चलो फोर्स को करते हैं डिस्कस। फोर्स, देखो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकालने से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है फोर्स का फार्मूला, शाबाश, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मास जो इस फार्मूले में हमारे पास क्वांटिटीज आती है ना, आपने बस उन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फार्मूला जो है लिख देना है, और फिर वहाँ पे अगर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, तो फिर आपका फाइनल जो है डायमेंशन फार्मूला पर्टिकुलर क्वांटिटी का निकल जाएगा। तो देखो मास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम है ना, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे एम लिख दिया। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला हम लोगों ने अभी निकाला, क्या लिखा था LT-2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, सॉल्व क्या है, सिंपलीफाई वे में लिख दो LT-2, क्लियर। तो ये आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन क्या है इसकी बताओ, डायमेंशन ये है एम, ये वन, वन माइनस टू, ठीक है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर रेज कर रखी हुई है। डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये पूरा का पूरा डायमेंशनल फार्मूला है, और डायमेंशनल इक्वेशन को भी बोले तो क्या है वो, जब इसकी इसकी रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसको इक्वेट किया जाता है तो उसको एज ए होल क्या कहा जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन, क्लियर। समझ आ गया यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर फोर, फार्मूला लिख लो आप, वर्क को डिस्कस करते हैं, वर्क, ठीक है। वर्क फार्मूला क्या होता है बताइए, फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्लियर। अब हमें क्या करना, क्या बताया मैंने आपको क्या करना है, आपको फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखना है यहाँ पे, और डिस्टेंस का, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपके पास वर्क का डायमेंशन फार्मूला भी आ जाएगा। फोर्स का क्या होता है, अभी तो किया हम लोगों ने, क्या है LT-2, यही है ना। डिस्टेंस मतलब एक तरह की लेंथ, तो यहाँ पे L लिख दीजिए, जस्ट इसको आप लोग लिख लो, अब M L की पावर 1, L की पावर 1, बेसिस सेम, पावर एडिट क्या आ जाएगा L2
टी माइनस टू, ये आ गया आपके पास वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। क्या आ गया? वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर, समझ आ गया, लिख लो। तो नेक्स्ट करते हैं एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। देखो एनर्जी क्या चीज़ होती है बताइए ज़रा, एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसलिए एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी वही होता है जो वर्क का होता है। तो यहाँ पे वर्क का क्या आ जाएगा, अभी कैलकुलेट किया वर्क का एम एल टू टी माइनस टू। तो एनर्जी क्योंकि वो क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, तो इसीलिए हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला भी वही होता है जो वर्क का होता है। एनर्जी चाहे किसी भी तरह की हो, ठीक है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी तरह की हमारे पास जो एनर्जी आएगी सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अभी कर लेते हैं, जैसे ये कौन सा है, फोर्थ फिफ्थ है ना, सिक्स्थ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को चेक कर लेते हैं ज़रा, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनता है, क्या फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 एम वी स्क्वेयर, यही है ना। ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है ना, इसको हम लोगों ने इंक्लूड नहीं करना होता, क्योंकि इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, इसमें कोई फंडामेंटल क्वांटिटी थोड़ी यूज़ हो रही है। अब देखो यहाँ पर मास को कैसे लिखना है, एम करके लिखना है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, क्या है, एल टी माइनस वन का होल स्क्वेयर। क्लियर, अब ये टू इसके साथ भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। देखो वही आ गया जो जनरल हम लोगों ने लिखा था एनर्जी का, है ना, काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का भी चेक कर लेते हैं ज़रा, पोटेंशियल एनर्जी को भी चेक कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच। क्लियर, तो एम जी एच, एम को कैसे लिखेंगे, इस तरह से, है ना, जो जो उसमें फार्मूले, ये जो इसमें जैसे आपको बताया, इस फार्मूले जो जो क्वांटिटीज आती हैं उसके रिस्पेक्टिव आपके डायमेंशनल फार्मूले हैं वो आपने लिखते जाने हैं, तो फाइनली आपको इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। जैसे एम का क्या आया, एम, ठीक है, जी क्या चीज़ है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक तरह की एक्सेलरेशन ही है ना वो, तो इसका और एक्सेलरेशन का सेम होना चाहिए। फिर इसका क्या आएगा, एल टी माइनस टू, जी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल टी माइनस टू। बचा क्या, हाइट, हाइट क्या होती है, वो भी तो एक तरह की लेंथ ही है, तो एल ही लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, एम, ठीक है, एल की पावर वन, एल की पावर वन बेसिस सेम, पावर एडेड एल टू टी माइनस टू। क्लियर, देखो है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी तरह की एनर्जीज होती हैं इन सब का डायमेंशनल फार्मूला इन सब का क्या होता है, एक ही होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं टॉर्क। शाबाश, टॉर्क पढ़ा है आप लोगों ने, ये क्लास 11th में हम लोगों ने और अच्छे से डीप में पढ़ना है, इसको पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखना है कि टॉर्क कैसे एग्जिस्टेंस में आती है। तो 8th करते हैं टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, अभी तो किया था एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ अ काइंड ऑफ लेंथ, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, एल आएगा। अब बताओ क्या करना है इसको, शाबाश, आप खुद भी कैलकुलेट कर लो इसको, क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस टू, इसका भी वही आ गया जो एनर्जी का है, ठीक है, तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू आ गया इसका फार्मूला। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग पावर का, इधर ही लिख देते हैं 9th, पावर। पावर क्या होती है बताओ, वर्क अपॉन टाइम, यही है ना, वर्क अपॉन टाइम। क्लियर, अब बताओ वर्क का डायमेंशन फार्मूला याद है, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, टाइम का आ गया टी। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसको न्यूमरेटर में लेके चले जाइए आप, तो आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, इधर टी माइनस वन। अब करो इसको कैलकुलेट, एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है, बेसिस सेम, पावर एडेड टी माइनस थ्री आ जाएगा। तो पावर का डायमेंशन फॉलो क्या बन गया, एम एल टू टी माइनस थ्री। नेक्स्ट करते हैं इम्पल्स, लिख लिया, कर लो इसको कॉपी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का डायमेंशन, इसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, 10th है इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम,
ये जितनी भी क्वांटिटीज़ के नाम सुन रहे हो ना आप, टार्क, इम्पल्स, ठीक है, ये इन सब के बारे में हम लोगों ने बड़े अच्छे डिटेल में पढ़ना है क्लास 11th में। तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ ज़रा क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, क्लियर। टाइम सिंपल टी लिख दीजिए, अब कर लो उसको कैलकुलेट, क्या आएगा एम एल, ठीक है, टी की पावर वन, यहाँ पे क्या है माइनस टू, तो टोटल कितनी आ जाएगी माइनस वन, क्लियर। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया एम एल टी माइनस वन, क्लियर। देखो जो मेन इम्पॉर्टेंट फार्मूले है ना, जो आपको पूरे के पूरे हमेशा याद रहने चाहिए, वो कौन कौन है, फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और वर्क। बाकी आप देखोगे ना जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही हैं, इन्हीं चार तरह की क्वांटिटीज़ को डिवाइड मल्टीप्लाई करके ही वो हमारे सामने आ रही हैं। तो ये चार तो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। बाकी आपके फार्मूले जो है ना, ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली याद रखते हैं, वो इसको बाईपास कर लेते हैं, वो क्या करते हैं इम्पल्स डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करते हैं, एम वन एल वन टी माइनस वन। ये कभी नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसा आप करोगे तो आप टोटली कन्फ्यूज हो जाओगे, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है, ये बाईपास नहीं करना है, डायरेक्टली नहीं करना इसको याद। आपने क्या करना है, इम्पल्स का फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, और याद हो भी जाता है जब आप आगे आके स्टडी करेंगे ना, तो जब फार्मूलों में, जब न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं ये फार्मूले, फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो इम्पल्स आपको ये याद होना चाहिए, फोर्स इनटू टाइम, और फिर आपको क्या करना है, वही फोर्स का तो फार्मूला आपको आता है, टाइम का भी पता है, तो आपको बस ये कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। बस आपको क्या करना है, फिर इसका फार्मूला फोर्स का लिखा, टाइम का लिखा, मल्टीप्लाई किया, आपके पास इंपल्स का फार्मूला आ गया। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इंपल्स का फार्मूला याद नहीं करना है, ये वाला डायमेंशन फार्मूला आपको क्या करना है, इंपल्स का ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद आपने इसमें सिर्फ जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको ये मिल जाना चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायमेंशन फार्मूला के साथ क्या करना है, डील करना है। तो आज हम लोग इतने 10 ही करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करें, इन 10 फार्मूलों को घर में पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। नोट्स तो आपने बना लिए अभी, और अच्छे से नोट्स भी इसके तैयार कर लो, और कल आप क्या करो, इन 10 के 10 फार्मूलों को अच्छे से ना दो तीन बार प्रैक्टिस करके आओ, क्योंकि अब आगे जाके जो हम क्वांटिटीज़ करने वाले हैं ना, वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी होने वाली हैं, थोड़े फार्मूले उसके ज़्यादा वो कह सकते हो कम्प्लेक्स आने वाले हैं, तो वो आप तभी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आपको ये बेसिक्स आते होंगे, क्लियर। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फार्मूला ऐसे भी याद रहना चाहिए, डायमेंशन फार्मूला, वो कौन किसका किसका रहना चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये चार अच्छे से आपको याद रहने चाहिए। बाकी हम लोग जो है कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो कल अच्छे से इन फार्मूलों को आप क्या कर लो, अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लो, क्लियर, समझ आ गया। तो फिर नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम जगह सेम चैनल, तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए फिजिक्स क्लासेस।